सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द डी आई वाई जुगाड़। और मेरा नाम है वैभव और आज मेरे साथ है मेरे ब्रदर अमित भैया। सो हेलो बोल दो सबको। और उसी के साथ साथ है इनकी ब्लैक ब्यूटी, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कावासाकी Z800। और ये बाइक बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है, फुली लोडेड है विद मॉडिफिकेशन, और साथ ही साथ इस पर कस्टम एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा लाउड है। इनलाइन फोर की पूरी साउंड आती है उसमें। सो वीडियो में कोई भी मॉडिफिकेशन करके तो नहीं दिखाने वाला, बट सारी मॉडिफिकेशंस को लिस्ट करेंगे, आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई हुई हैं और भैया ने अच्छे खासे पैसे खर्चे हुए हैं इसके ऊपर। और पूरी मॉडिफिकेशंस की कॉस्ट एंड में टोटल बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो वीडियो को अब करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। भाई स्टार्ट करते हैं बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। सो सबसे पहले हमें आगे मिल जाती है आफ्टर मार्केट विंडशील्ड, और ये कहीं ना कहीं विंड ब्लास्ट को कितना कम कर देती है, काफ़ी हद तक इसे कम कर देती है। तो परफॉर्मेंस बढ़िया है इसकी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है। तो भाई ने इसको तो पास कर दिया है। सो नीचे आ जाए हेडलाइट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी रेनबो टिंटेड फिल्म, और जो हेडलाइट्स हैं अंदर वो हैलोजन स्टॉक इंस्टॉल्ड हैं, और जो हजार्ड लाइट्स हैं वो इसमें पहले से ही होती हैं। और यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएंगे आफ्टर मार्केट फोक प्रोटेक्टर्स, और दूसरी साइड पे भी सेम, और जैसा कि इनका नाम है ये फोक्स को करते हैं प्रोटेक्ट। सो अब थोड़ा सा आगे आ जाए साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रेडिएटर गार्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रिल है। सो रेडिएटर को ये प्रोटेक्ट करती है ताकि कहीं से भी डैमेज ना हो। सो अब आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन पे। सो यहाँ पे लगे हुए फ्रेम स्लाइडर्स, और ये बाइकर्स कंपनी के यहाँ पे ब्रांडिंग है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं इंजन गार्ड, और ऊपर यहाँ पे Z800 की ब्रांडिंग है। दोनों साइड ये लगे हुए हैं, दूसरी साइड से भी आपको एक बार दिखा दूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे भी, और सिमिलरली फ्रेम स्लाइडर भी दोनों साइड्स पे है। सो अब यहाँ पे ऊपर वाली साइड आते हैं हैंडल बार के ऊपर, तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आफ्टर मार्केट ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर, और ये फुली एडजस्टेबल हैं। और क्लच की बात की जाए तो क्लच थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और साइड पे यहाँ पे लगे हुए हैं हैंडल वेट्स, और इसके ऊपर भी बाइकर्स की ब्रांडिंग है, और जो ग्रीन कलर है वो ऑब्वियसली कावासाकी के ग्रीन कलर से बहुत बढ़िया लग रहा है, मैच हो रहा है। और ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं साइड मिरर्स के ऊपर, फुली एडजस्टेबल रिजोमा के मिरर्स लगे हुए हैं ये, और ये भी अंदर से ब्लू कलर में टिंटेड है। सो यहाँ पे आ जाए फ्यूल कैप के ऊपर, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाया हुआ है भैया ने, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक टैंक गार्ड भी लगा हुआ है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे मिल जाता है ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर का आफ्टर मार्केट कैप, और ये बहुत बढ़िया लुक दे रहा है इसको, प्रोटेक्शन के लिए भी है कहीं ना कहीं ये। सो यहाँ पे हमें मिल जाता है सीट काउल, कार्बन फाइबर का नहीं है, प्रॉपर मटेरियल नहीं है, बट इसके ऊपर जो ग्राफिक्स हैं वो बिल्कुल कार्बन फाइबर वाली लुक दे रहे हैं। सो अब आ जाए पीछे की तरफ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, मैं लिटरली फैन हो गया इनका। सो ऑडी सेल्फ फ्लोटिंग इंडिकेटर्स हैं, और साथ ही साथ जो भैया ने पीछे टेल लाइट लगवाई हुई है, मॉडिफाइड टेल लाइट है। सो एक बार काम करो, इसके सिंगल सिंगल इंडिकेटर ऑन करो जी। सो आप देख सकते हैं जो टेल लाइट है उस पर भी इंडिकेटर चल रहा है, और कहीं ना कहीं जी का लोगो लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये लुक में। सो आप कर रहे हैं ब्रेक को प्रेस, और आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मैं साइड प्रोफाइल दिखा दूँ, तो आप टेल टाइट ही देख सकते हैं लगी हुई है, और पीछे से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और नीट एंड क्लीन लुक है। और यहाँ पे नीचे आया जाए तो पैडॉक स्टैंड लगाने के लिए स्पूल्स लगे हुए हैं दोनों साइड्स पे। सो ये तो थी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन, बट ये भी बहुत ज़रूरी होती है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, हमारा कस्टम एग्जॉस्ट। सो भी आप ये बताओ, आपने इसमें चेंज क्या क्या किया है, अकेला मफलर चेंज है या बैंड पाइप भी चेंज किया साथ? इसमें बैंड पाइप और मफलर दोनों ही चेंज है। सो बैंड पाइप और मफलर चेंज है इसमें, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं आवाज़ सुनाई जाए। सो गाइज ये थी कुछ मॉडिफिकेशंस जो कावासाकी Z800 पे भाई ने कराई हुई थी, और साथ ही साथ एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा नीचे कमेंट ऑन करके बताइए, और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट भी पूछ लेते हैं कितना खर्चा हुआ है इसके ऊपर। इसमें 2-1 लाख रुपए का खर्चा। सो भाई ने 2-1 लाख रुपए लगाए हुए हैं बाइक के ऊपर, शौक का कोई मूल नहीं होता जैसा कि हम जानते हैं। सो भाई खुश हो मॉडिफिकेशन से, बढ़िया भाई बहुत। और साथ ही साथ भाई का इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, और मुझे नहीं कर रहे हो तो कर लेना DIY जुगाड़। सो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं एंड। सो वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक कर देना। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन राइड सेफ राइड, एंड मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में। बाय बाय।